अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो जॉब्स आई हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर, ये जॉब्स आई हैं 2020 की, ये जॉब्स हैं और डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, डिफरेंट किस्म के असामियाँ हैं जिसमें आप पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री अप्लाई है, ऑनलाइन अप्लाई है, कोई इसका चलान नहीं है, कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री अप्लाई है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल एफ आर यू लेटेस्ट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सिंपल दोस्तों आपने क्या करना है, तो सिंपल दोस्तों आपने जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद सिंपल दोस्तों आपने टाइप करना है फाइंड पाक जॉब्स। फाइंड पाक जॉब्स के नाम से ये वेबसाइट है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका मेन पेज आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप दोबारा फाइंड पाक जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पेज आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास तमाम जॉब्स के रिलेटेड डिटेल वगैरह अवेलेबल है। ये देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं, टुडे जॉब्स के अंदर मौजूद हैं। ज्वाइन पाक एयरफोर्स एज एरो ट्रेड लेडी नर्सिंग असिस्टेंट म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स मैन की जॉब्स हैं 2020। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका मेन पेज आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दोस्तों तमाम डिटेल वगैरह अवेलेबल होगी इस जॉब से रिलेटेड, हमने किस तरह अप्लाई करना है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और क्या इसका प्रोसेस है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सिंपल दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की जॉब्स अवेलेबल हैं और जिस जिस सिलेक्शन सेंटर के अंदर हैं ये उन्होंने बताए हुए हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंटर हैं, एबटाबाद, बावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सखर, मियांवाली और बेनज़ीराबाद के अंदर इसके ये ऑफिस हैं। वहाँ जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पोस्ट का नेम उन्होंने बताया हुआ है एरो ट्रेड जी सी लेडी नर्सिंग असिस्टेंट एम टी डी म्यूजिकन और स्पोर्ट्स मैन की ये पोस्ट हैं और इसके लिए जो उनका क्राइटेरिया ये बताया हुआ है मेल एंड फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट उन्होंने बताई हुआ है 16 से 22 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेप्ट एरो टेक्नीशियन 15 से 19 साल और इसके अलावा आपके यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, और एजुकेशन बताया हुआ है मैट्रिक इस साइंस या आर्ट्स के साथ आपके मैक्सिमम 50 to 60% आपके यानी कि मैक्सिमम नंबर होने चाहिए तब जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए एरो ट्रेड के लिए एजुकेशन बताया हुआ है एजुकेशन मैट्रिक विद 60% मार्क्स, जेंडर मेल, मैरिड स्टेटस अनमैरिड वाले प्लस अप्लाई करेंगे इसमें, हाइट मिनिमम 5 फुट 4 इंच, एज लिमिट 16 से 20 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मैट्रिक विद 60% मार्क्स, फीमेल, मैरिड अनमैरिड वाले इसमें अप्लाई करेंगे और एज लिमिट 16 से 22 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यानी कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए, उसके लिए भी मैट्रिक मांगा है अनमैरिड, 16 से 20 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीसी के लिए इसमें भी वही प्रोसेस है यानी कि 50% मार्क्स और एज लिमिट 16 से 20 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई। इस तरह सपोर्ट्स मैन है और इसकी आई लेवल बताया हुआ है 6.6 इसका आई लेवल होना चाहिए तब जाकर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह म्यूजिकन है। ठीक है दोस्तों, तमाम डिटेल वगैरह उन्होंने बताए हुए हैं, बाकी रह के इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, सिंपल दोस्तों आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद सिंपल दोस्तों आपने अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, लास्ट डेट बताई हुई है 28 अगस्त 2020 उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो इनका फर्दर प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा, मज़ीद मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमारे पास थोड़ा लोड हो रहा है, नेट की स्पीड नहीं आ रही। ये देखें इस तरह हमारे पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, यहाँ जाकर आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल दोस्तों, इस तरह आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं घर बैठकर। तो सिंपल दोस्तों, इसको अप्लाई करने का ये प्रोसेस है, ये तरीक़ेकार है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।